हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीखो कंप्यूटर एंड टेक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में पासवर्ड कैसे डालते हैं, मतलब पासवर्ड को कैसे क्रिएट करते हैं। जब आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑफ होता है, उसको जब आप ऑन करते हो तो पासवर्ड मांगता है, तो वो चीज़ें कैसे होती हैं उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको यूजर कौन जो होता है वहाँ पे आपको जाना है। मैं दिखाता हूँ आपको। आप कहीं से भी जा सकते हो, वो चीज़ कोई मैटर नहीं करती है। यहाँ आया मैं, यहाँ पे आया, सेटिंग्स पे क्लिक किया। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आता है ऑप्शन, बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे जो चेंज पीसी सेटिंग है इस पर क्लिक करें। चेंज पीसी सेटिंग्स पे, ये चेंज पीसी सेटिंग्स आपके इसे विंडो, ये तो मेरा विंडो 8 है, इसमें अवेलेबल है। आपको बहुत जो भी आपके कंप्यूटर में उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, उसमें आपको यूजर्स पे आना है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूजर्स पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे यूजर्स जैसे ही आप क्लिक करते हो, वहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन मिलता है क्रिएट अ पासवर्ड पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन है न्यू पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड ही, यहाँ पर न्यू पासवर्ड। पासवर्ड के रूप में आपको जो मर्जी है वो डाल सकते हो, डिजिट हो या फिर से अल्फाबेटिकल आपका नेम हो, कुछ भी, जो भी मर्जी है, आपका मोबाइल नंबर ही क्यों ना हो, जो भी मर्जी आए वो आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 4 बार 5 डाला है, 1 2 3 4, ठीक है। आपने क्या डाला है यहाँ पे आप सीन कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी आपको डालना है, एकदम सेम चीज़, वही चीज़ दोबारा री एंटर करना है, और आपने क्या डाला है वो चीज़ यहाँ पे हिंट में डाला है। हिंट में इसलिए डाल दिया जाता है कि अगर आप कभी, बाय द वे, पासवर्ड आप किसी तरह से भूल गए या आपको कभी याद नहीं आ रहा है, तो ये हिंट आप इसलिए डालते हैं कि ये चीज़ आपको याद दिलाएगा कि इस चीज़ को आपने पासवर्ड में डाला है वो चीज़। जैसे मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिट, या फिर लिख देता हूँ 5, तो मैंने 5 डाला है, इतना तो याद रहेगा, हाँ 5 डाला है, 4 बार डाला है, 5 4 times, ओके। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट मैंने किया, उसके बाद ये फिनिश का ऑप्शन है। फिनिश पे क्लिक जैसे ही आप करोगे, यहाँ पे देखिए चेंजिंग योर पासवर्ड, यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन, इट मीन्स कि हमारा पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब आप जैसे ही अपना लैपटॉप को ऑफ करते हो, लैपटॉप आपका जब ऑफ होता है या कंप्यूटर ऑफ होता है, उसके बाद जब ऑन करोगे, जैसे ही ऑन करोगे पासवर्ड मांगेंगे, जो आपने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड डालना है वहाँ पे, और पासवर्ड डाल के अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑन कर लेना है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में हमेशा पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो इस तरह से अपने किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में यूजर में जा करके वहाँ से अपने पासवर्ड क्रिएट करना है और पासवर्ड डाल सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।